दोस्तों आज के टाइम में लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सुकून होता है और दूसरा इसमें पैसे भी लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टैलेंट की पूरी दुनिया कायल है, लेकिन उनका जो टैलेंट है, जो उनका स्किल्स है, उनके लिए किसी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपने स्किल्स का यूज़ करके पैसे कमा सकें। तो आज का वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो घर बैठे पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करके पैसे कमाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज करके घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोजगार इंडिया.com। और रोजगार इंडिया का एक ऐप है जहाँ पे लोग अपना प्रोफाइल सेट करने के बाद और फिर जितनी भी कंपनी है, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, उनसे कॉन्टेक्ट करती है, जितने भी उनके पास वर्क है उन्हें हायर करती है फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कैसे आप रोजगार इंडिया से घर बैठे ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे रोजगार इंडिया का दो ऐप है, एक तो है रोजगार इंडिया जिसमें जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो हायर करती है फ्रीलांसर को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपका प्रोफाइल शो होता है, कैसे आपको कोई बड़ी कंपनी हायर करेगी अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे इस ऐप को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग कैटेगरीज है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, डेटा एंट्री है, कंटेंट राइटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। जो भी आपका स्किल्स है आप उसका यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी आपकी कैटेगरी दिखेगी जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट कर लेता है। क्योंकि मुझे सबसे आसान जॉब लगता है डेटा एंट्री या फिर कंटेंट राइटिंग या फिर टाइपिंग जॉब, मैं इन सभी जॉब को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हूँ, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट मैं दिखा सकता हूँ या फिर अपना प्रोफाइल बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा एंट्री पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल आप देख रहे हैं सभी लोगों ने अपना प्रोफाइल सेट किया हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोफाइल ओपन करूंगा किसी कंपनी की तरफ से, उन्हें फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अब उन्हें 2,000, 3,000, 2,500 या फिर 500 लोगों की ज़रूरत है, अब उन्हें चाहिए डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट जो कि डेटा एंट्री काम कर सके। अब जाहिर सी बात है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जो कि इंडियन हो, क्योंकि जो इंडिया के डेटा एंट्री के काम होते हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें हायर करते हैं। तो या इसी तरीके से रोजगार इंडिया पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आती हैं और बहुत सारे लोगों को हायर करती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती हैं जो कि घर बैठे बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है आपसे चैट के जरिए बात भी कर सकती है या फिर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगी तो आपको हायर कर लेगी उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया है, तो इसी तरीके से आपको प्रोफाइल बनाना है और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कैसे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रोफाइल बनाने के लिए आपको रोजगार इंडिया का जो सेकेंड ऐप है जो कि स्पेशल फ्रीलांसर लोगों के लिए बनाया गया है, उस पर आप कैसे आप अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, क्या सारा प्रोसेस है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब आपको करना क्या है कि रोजगार इंडिया का जो सेकेंड ऐप है फ्रीलांसर रोजगार इंडिया, यहाँ पे इसकी रेटिंग भी चेक करेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासी रेटिंग के साथ यहाँ पे ये टॉप पे है। और जितने भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और जितनी भी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उन्हें हायर कर चुकी है। तो आप भी इस मौके को मत गवाइएगा, इस प्लेटफॉर्म पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको करना क्या है, फ्रीलांसर रोजगार इंडिया का जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका वेबसाइट है, विजिट करके उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। आप हर जगह आपको यही पता चलेगा ये जो वेबसाइट है जेन्यून है, लेजिट है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है और अच्छा रिव्यू दिया है क्योंकि ये 100% जेन्यून वेबसाइट है और जेन्यून ऐप है। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसर रोजगार इंडिया को इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि ऑप्शनल है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर एंटर कीजिए क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है या फिर आपको हायर किया जाता है तो आपके मेल पे नोटिफिकेशन जरूर भेजा जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना क्रिएट करना है और डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद तो हमने अब अपना अकाउंट सेटअप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, यहाँ पे पहला है क्रिएट ए वर्क,
यहाँ पे क्रिएटिव वर्क में आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ बताना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में माहिर हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा एंट्री करना है, कंटेंट राइटिंग करना है, टाइपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिस भी स्किल्स में मैं माहिर हूँगा उसका मैं माई वर्क का प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। फिर सेकेंड स्टेप है एक्टिव योर अकाउंट, आपको अपने अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए 99 लिया जा रहा है, वन टाइम पेमेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रीलांसर वेबसाइट पे काम किया हूँ, जितनी भी फेमस हैं उनका मैं प्रीमियम प्लान लेता हूँ, खरीदता हूँ, तो वो मंथ का चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ्रीलांसर का, तो यहाँ पे जो उनका बेसिक प्लान है 329 329 रुपए आपको दे देना है, 329 रुपए पर मंथ ये चार्ज करते हैं प्रीमियम मेंबर के लिए। प्लस यहाँ पे आप 50 बिट्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, 50 स्किल्स नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपको ये भी बोला जाता है कि आप ज़्यादा महंगा प्लान लीजिए तो ज़्यादा आपको फीचर मिलेगा, लेकिन रोजगार इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बार आपका प्रोफाइल सेटअप करते हैं, जैसे ही आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं वो एक बार का पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट 99 रुपीज़, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फिर आपका अकाउंट ये वेरीफाई कर देंगे, जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं और यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई वर्क पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करूँगा और अपना अकाउंट भी एक्टिव करके दिखाऊंगा कैसे आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई वर्क पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई अपना प्रोफाइल सेट नहीं किया है कि मेरा कौन सा स्किल्स है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर वर्क कैटेगरी, यहाँ पे जो भी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, म्यूजिक एंड वीडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, जो भी फील्ड में है, जैसे कि मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, या फिर प्रूफ रीडिंग, या फिर आपको बुक पढ़ के पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने स्किल के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन से भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप ट्रांसलेशन अपना स्किल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जितनी भी कंपनी आपको हायर करे तो आप गूगल ट्रांसलेट का हेल्प करके ट्रांसलेशन का जॉब कर सके। अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे अपना स्किल सेट करने वाला हूँ डेटा एंट्री के लिए, तो यहाँ पे मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है बिजनेस एंड कंसल्टेंसी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डेटा एंट्री, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो डेटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई कैन है, उसके बाद अपना टाइटल आपको प्रोवाइड करना है, डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, डेटा एंट्री का जितना भी टाइटल है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज, यहाँ पे टाइटल सजेशन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत रिसर्च नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मैं जो ज़्यादातर फ्रीलांस वेबसाइट पे यूज़ करता हूँ वो है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। यहाँ पे स्पेशलिस्ट का मतलब जितनी भी मैं डेटा एंट्री कवर करता है, चाहे जेपेक हो, पीडीएफ हो, बुक का हो, वॉइस का हो, ट्रांसक्रिप्शन वर्क हो, किसी वीडियो के लिए सबटाइटल बनाना हो, एक्सेल का काम हो, तो हर तरीके का मैं डेटा एंट्री काम कर लेता हूँ और आप भी कर सकते हैं क्योंकि डेटा एंट्री वर्क बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट लिखूंगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे योर सर्विस प्राइस है, यहाँ पे लिखा है हाउ मच प्राइस विल यू चार्ज योर कस्टमर फॉर दिस वर्क, बी कम्पिटेटिव ऑन योर प्राइसिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कितना रुपए आप चार्ज करेंगे अपने काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट उठाते हैं कोई डेटा एंट्री का, आप उसे 1000 रुपए में करना चाहते हैं, 500 रुपए में करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आप पैसे चार्ज करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप फ्रेशर हैं तो 500 रुपए यहाँ पे आप चार्ज कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि बहुत ही इजी डेटा एंट्री होता है तो फ्रेशर को हायर करते हैं, लेकिन उन्हें पैसा ज्यादा नहीं पे करना है तो फ्रेशर को हायर करेंगे, तो अपना प्राइस लो रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस है, अपना प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना प्राइस अब सेट कर दूंगा, जैसे एक प्रोजेक्ट का डेली मैं एक प्रोजेक्ट करता हूँ तो 1000 रुपए मैं लूंगा, तो 1000 रुपए मैं लूँ चाहे 900 रुपए लूँ, मैं डेली एक प्रोजेक्ट करूंगा, या फिर उस प्रोजेक्ट को मैं 1 घंटे में कर लूँ, आधे घंटे में कर लूँ, या फिर पूरा दिन ले लूँ, लेकिन आपको उसका 1000 रुपए ही मिलेगा क्योंकि आपने अपना प्राइस फिक्स करके रखा है। या फिर आपको लगता है 2-3 दिन लग रहा है तब भी आपका उस प्रोजेक्ट का 900 रुपए या फिर 1000 रुपए लगेगा। यहाँ पे आप डेटा एंट्री का यहाँ पे आप प्रोफाइल देखने जाएंगे, बहुत लोग 3000, 4000, 5000, कोई 600, 500 इस तरीके का सबका प्राइस है, तो आप एक बार वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना जो प्राइस सेट करूँगा वो यहाँ पे 1000 रुपए है, तो यहाँ पे मैं 999 लिखूंगा क्योंकि ये देखने में सही लगता है और कम भी लगता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 999 एंटर करूँगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी एंड डेज, यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितने दिन में यहाँ पे मैं डिलीवर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 दिन एंटर कर दूंगा क्योंकि मेरा न्यू प्रोफाइल है। जैसे जैसे मेरा रेटिंग बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा काम आएगा, तो अभी मैं क्या करूँगा 2 दिन कर दूंगा। फिर यहाँ पे वर्क करेक्शंस है। सेकेंड में वर्क करेक्शन में क्या है कि जैसे आपने डेटा एंट्री का काम किया, अब उन्हें लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ग्रामर की मिस्टेक है या फिर कोई स्पेलिंग की कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है या फिर कोई वर्ड मिसिंग है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई है फॉर्मेट की, तो आपसे करेक्शन कराएंगे। तो आप बता सकते हैं कि मैं एक बार या फिर 2 बार से ज़्यादा करेक्शन नहीं करूँगा आपका जो काम है, मैं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ज़्यादा 1 या फिर 2 बार उस फाइल को रीओपन करूँगा और उस पर वापस से मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं 3 कर लूँगा कि चलिए आपके हिसाब से, क्योंकि मेरा प्रोफाइल एकदम नया है, मुझे रेटिंग बढ़िया चाहिए ताकि मेरा रेटिंग देख के और लोग भी मुझे हायर करें। तो मैं 3 टाइम कर दूंगा कि मैं आपका 3 बार ओपन रीओपन कर लूँगा, आपका करेक्शन कर लूँगा ताकि आपको मैं अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ और मुझे भी अच्छा रेटिंग मिल सके। तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद डिस्क्राइब योर वर्क, यहाँ पे क्या करना है अपने बारे में अच्छे से बताना है। देखिए आपको अगर अपने बारे में कोई चीज़ बनाना है तो जितनी भी फ्रीलांसर वेबसाइट है या फिर रोजगार इंडिया पे चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर लोग ही यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट 5 मिनट टाइम लेना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है अपने बारे में, अपनी खूबियाँ बताना है कि आप डेटा एंट्री में क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। ठीक इसी तरीके से आप जिस भी स्किल में माहिर होंगे उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री के बारे में पहले से लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या करूँगा कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आपको अगर यही चीज़ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसे मॉडिफाई करके आप भी अपने प्रोफाइल में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मॉडिफाई जरूर कीजिएगा, डिट्टो यूज़ मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट द फॉर्मेट्स फॉर योर डिलीवरी। अब मेरे पास डेटा एंट्री का काम आएगा जैसे फाइल्स में, अब मैं डेटा एंट्री से कस्टमर चाहता है कि कोई PNG फाइल है, ZIP फाइल है, PDF फाइल है, डॉक फाइल है, डॉक्स फाइल है, PPT, तो इस टाइप अगर फाइल पे डेटा एंट्री काम करना चाहता हूँ तो मैं सब सेलेक्ट कर लूँगा, मैं सब पे डेटा एंट्री करूँगा। ऑडियो या वीडियो है, जैसे वीडियो में क्या हो गया, ऑडियो वीडियो में किसी को सबटाइटल का चाहिए, किसी को ट्रांसक्राइब का चाहिए, तो इस तरीके का जो काम आएगा उसको भी मैं कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। कितने मिनट का मैं कर सकता हूँ वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा मैंने अपने 1000 रुपये सेलेक्ट किया है, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कितने से कितने मिनट तक का आप करना चाहते हैं। ठीक है, फिर नीचे है वेबिनार्स एंड लाइव सेशन। को वेबिनार्स और लाइव सेशन का वीडियो, उसके लिए अगर आपको ट्रांसक्राइब का वर्क करना है डेटा एंट्री का, जैसे कोई सबटाइटल या फिर कैप्शन जो भी आप बोलिए उसके टाइप का आपको काम करना है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आता है अपलोड योर फाइल, आपको यहाँ पे अपना सैंपल अपलोड करना है कि आपने इससे पहले अगर डेटा एंट्री पे काम किया है, आपने वर्क सैंपल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क सैंपल नहीं है, आप फ्रेशर हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस दिखाना है, या फिर मैं फ्रेशर भी हूँ लेकिन वर्क सैंपल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्क सैंपल के हिसाब से ही आपको हायर किया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर खुद का वर्क है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जितने भी फ्रीलांसर वेबसाइट हैं, आपके स्किल के हिसाब से जितने भी लोग हैं अपना प्रोफाइल कंप्लीट किए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या वर्क सैंपल लिया है, आप वहाँ पे उनका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि आप कोई भी आप यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं तो आपको वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ कर लिया लेकिन वो चीज़ें नहीं आता है, क्योंकि जब भी कोई आपको क्लाइंट हायर करेगा तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से ही करेगा, तो वो चीज़ें आनी चाहिए जो आपने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपको अपना वर्क जरूर अपलोड करना होगा, वर्क सैंपल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप का वर्क सैंपल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे वर्क सैंपल अपलोड करने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, आपको बढ़िया सा एक सेल्फी ले लेना है अपना, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। हम यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। अब मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सबमिट फॉर रिव्यू। अब ये मेरा जो प्रोफाइल है वो अब रिव्यू में जाएगा कि जो मैंने चीज़ें मेंशन की है वो सही है, वो स्किल के हिसाब से है, वो आपका प्रोफाइल अप्रूव कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफाइल अप्रूव कर दिया जाता है, तो सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे। तो जाहिर सी बात है सबमिट फॉर रिव्यू पर जाने से पहले मुझे अपने अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा,
पहला मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू क्लिक करूंगा। सेकंड जो स्टेप था, हमें अपने अकाउंट को एक्टिव करना है, उसके लिए जो 99 का वन टाइम चार्ज है उसका मुझे पे करना पड़ेगा। वन टाइम चार्ज करने के बाद मैं लाइफ टाइम तक इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी काम आते हैं, जितने लोग मुझे हायर करते हैं, मैं यहाँ पे अर्निंग करता रहूंगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है, वॉलेट है, कार्ड्स है, बैंक्स है, UPI है, इन तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं 99 रुपीज। तो यहाँ पे मैं पेटीएम का यूज करूंगा, पेटीएम सेलेक्ट करूंगा, पे नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट है, यहाँ पे मैं OTP एंटर करूंगा, जो भी अमाउंट है उसे मैं पे कर दूंगा, क्योंकि वन टाइम है, 99 रुपीज कुछ भी नहीं है दोस्त। इतना ज्यादा लोग इधर उधर पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। आप एक बार रोजगार इंडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहां पे जरूर जॉब्स करेंगे और अच्छा खासा पैसे कमा पाएंगे। तो यहां पे मेरा पेमेंट हो गया है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि आपको इस ऐप को क्लोज करना है और वापस ओपन करना है। कभी कभी आपका ये प्रोफाइल शो नहीं होता कि आपका अकाउंट एक्टिव हुआ है, तो क्या करना है, हमें अब ये रोजगार इंडिया का जो फ्रीलांस का ऐप है इसको हम क्लोज करेंगे और वापस से इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो अब एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब मैं माई वर्क पे जाऊंगा, यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल था अभी वो ड्राफ्ट में है क्योंकि रिव्यू में है, वापस से मैं चेक करूंगा, आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, वापस से वही स्टेप्स होंगे, उन्हें कंप्लीट करने के बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब सबमिट फॉर रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डेटा एंट्री का प्रोफाइल है वो रिव्यू में है, वो जल्दी अप्रूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे जो प्लस का साइन देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने और भी जो स्किल्स है, जैसे आप अगर टाइपिंग जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेटा एंट्री कर दिया, मुझे चाहता है मैं कंटेंट राइटिंग का भी प्रोफाइल बनाऊँ, उसका भी मैं प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल बना देता हूँ, जो मेरा प्रोफाइल मैंने कंप्लीट किया डेटा एंट्री का, यहाँ पे डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने एंटर किया है और ऊपर लिखा रहा है दिस वर्क इज अंडर रिव्यू। यहाँ पे कुछ टाइम मैंने वेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो रिव्यू था वो कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो डेटा एंट्री का प्रोफाइल है वो एक्टिव हो चुका है। जितने भी फ्रीलांसर हैं उनके पास मेरा प्रोफाइल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है। जो भी मैंने प्रोफाइल अपना सेट किया है, मेरे पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट आएंगे और मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब मैं बात करता हूँ कि रोजगार इंडिया पे आप जब भी कोई काम कर लेते हैं, अपने कमाए हुए पैसे कैसे आप उसे अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको रेवेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट विदड्रॉ है, इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इनकम है वो जीरो हो जाएगा और आपने जो भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया होगा आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब आपको लगता है कि आपके उसके ऊपर एक पेमेंट प्रूफ का वीडियो चाहिए कि कैसे हम अपने कमाए हुए पैसे हम अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा। अभी आपको क्या करना है कि रोजगार इंडिया से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो आपका प्रोफाइल अप्रूव होने में ज्यादा टाइम लगे। तो अभी क्या करना है कि अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस ऐप का, जाना है, रजिस्टर करना है, आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि फ्रीलांसर पे या फिर फाइवर पे, इन सब पे जब भी आप कोई बिड करने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि हजारों लोग उसके लिए बिड करके बैठते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिलता, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन रोजगार इंडिया के बारे में बहुत ही सीक्रेट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल बना के पैसे कमा रहे हैं, तो आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा। रोजगार इंडिया पे आज ही अकाउंट बनाइएगा, अपना अकाउंट एक्टिव करके आप भी यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया है रोजगार इंडिया के बारे में, जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जितने भी इंडियन फ्रीलांसर हैं बहुत ज्यादा इस पे ज्वाइन करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो आपको इस चांस को मिस नहीं करना है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जो भी मैंने डिटेल्स बताया है किस तरीके से आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, वो स्टेप्स फॉलो करके आप अपना यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपना प्यार देना है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके का वीडियो ला सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि आप घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स कर सकें।